वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू कुकिंग डे व्लॉग। आज मैं दुनिया की सबसे मजेदार डिश बनाने जा रही हूँ, जो आपकी भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है और खास तौर पे मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, जिसका नाम है बिरयानी। बिरयानी का जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली चीज होती है वो होती है प्रेपरेशन। मैंने अपनी प्रेपरेशन सारी करके रखी हुई है, मजेदार और क्विक सी रेसिपी होगी। आप लोग स्टे ट्यून रहो और मेरी पूरी वीडियो देखना। मैं बिरयानी का मसाला जो यूज़ करने वाली हूँ वो मल्ले चिकन बिरयानी है। मैंने राइस को ओवरनाइट सॉक करके रखा हुआ था, अभी पानी निकाल लिया है। मेरे पास टमाटर है, प्याज है, लेमन है, मिंट है, धनिया है, खड़े मसाले हैं और मिर्ची है, और ये भी खड़े मसालों का पाउच है और सॉल्ट है। तो ये सब थी मेरी सारी प्रेपरेशन की तैयारी। अब हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा काम। मैंने फुल चिकन ले लिया है, ये ऑलरेडी वॉश्ड है, और दही ले लिया है। हम लोग पहले मैरिनेशन बनाएंगे इसकी। सबसे पहले मैंने चिकन लिया और उसके बाद मैंने दही ले लिया, ये पूरा एक कप है। दही के बाद मैं इसके अंदर बिरयानी का मसाला डाल दूंगी। मेरे पास आधा मसाला था, मैंने आधा ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था तो मैंने सारा डाल दिया। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूंगी एक चम्मच। हमारी बिरयानी की मैरिनेशन तैयार है, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। मैरिनेटेड चिकन को मैं सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट रखा हुआ था और वो डन हो चुका है। मैंने पैन रख दिए हैं सारे गर्म होने के लिए। ये फ्राइड अनियन के लिए पैन है, ये चिकन के मसाले के लिए और ये राइस के लिए है। मैंने ऑलरेडी पानी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है हाई हीट पर। बिरयानी के मसाले के लिए मैं ऑयल डाल दूँगी, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ पैन के अंदर। ऑलमोस्ट आधा कप होएगा ये। ये मेरे पास बड़े बड़े प्याज थे तीन, मैंने उनको चॉप करके रखा हुआ था, जिनमें से आधे मैं मसाले के लिए डालूंगी और आधे मैं फ्राइड अनियन के लिए रखने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं खड़े मसाले भी डाल दूंगी। अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। मैं प्याज को 10-15 मिनट के लिए पकने दूंगी, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तब तक मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट बनाने वाली हूँ, जो कि मैं भूल गई थी, तो अभी मैं वो बनाती हूँ, वो भी इसके अंदर जाने वाला है। साथ ही साथ मैं फ्राइड अनियन के लिए भी अनियन को फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। छींटे आने वाली है। ओह माय गॉड, मेरे पास एक छोटा सा मिनी चॉपर है, मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेती हूँ जल्दी से। जिंजर गार्लिक को चिकन की मैरिनेशन के अंदर ही डालती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई हूँ तो नहीं डाल पाई। अगर आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करना चाह रहे हो तो प्लीज़ मैरिनेशन के अंदर इसको डाल लेना, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं इसके अंदर सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी, ये ऑलमोस्ट 3 चम्मच हैं। साथ ही साथ मैं अपना चिकन भी डाल दूंगी इसके अंदर ही। चिकन को मैं मैरिनेट इसलिए किया था ताकि जो चिकन होता है उसके अंदर मसाला अच्छे से रच जाए, और जो हमारी दही थी, दही चिकन को बहुत सॉफ्ट कर देती है, तो मैं मैरिनेशन में दही बहुत ज़रूरी डालती हूँ हमेशा। अब मैं चिकन को ढक कर रख दूँगी पूरे 20-25 मिनट तक, जब तक इसका मसाला अच्छे से बन नहीं जाएगा और ये पूरा गल नहीं जाएगा। ओके, तो अब मेरा राइस का जो पानी था वो रेडी हो चुका है। साथ ही साथ जो अनियन है वो भी फ्राई हो रहे हैं, इनको बहुत टाइम लग जाता है। अब जो हमारे राइस थे वो मैं इसके अंदर डालूंगी। राइस मैंने डाल लिए थे और ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, जिनके अंदर कड़ी पत्ता है, बादियान का फूल है, जलवत्री है, मोटी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, गोल गोल से ब्लैक पेपर भी है। बिरयानी में खड़े मसाले ना हो तो बिरयानी बहुत बुरी लगती है, तो ज़्यादातर मेरी बिरयानी के सीक्रेट खड़े मसाले ही हैं। जितने खड़े मसाले मैं डालती हूँ उतने ज़्यादा मज़े का स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है, तो मुझे ये करना पड़ता है ताकि हमें ज़्यादातर मुंह में खड़े मसाले मत आएं। इसको मैं इसके अंदर पानी के अंदर डालूंगी, और मेरे पास कुछ लेमन्स है, मैं ये दो डाल दूंगी इसके अंदर, और यहाँ से मैं पुदीना भी इसके अंदर डाल दूंगी, मिर्ची भी डाल दूंगी, दो डाल रही हूँ। हर डिश में मिर्ची का अपना ही कमाल होता है, मैं मिर्ची के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। साथ ही साथ मैं सॉल्ट भी डाल दूंगी इसके अंदर, एक चम्मच ले रही हूँ। चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। अब जो हमारे फ्राइड अनियन थे आई थिंक वो बहुत ओवर कुक हो गए, लमी सी, जब हम लोग इन कामों में लग जाए ना, वो फ्राइड अनियन बेचारा साइड पे ही रह जाता, उसको मैं भूल ही जाती हूँ।
वेरी सैड, मेरा फ्राइड अनियन ही जल गया। मैं बातें बहुत करती हूँ ना, मेरे काम ही जल जाते हैं सारे। इससे बातें कम करिए, आपका सारा कुछ जल जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास अनियन पड़ा है आधा, मैं उसको काट के इसके अंदर फिर से डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ्राइड अनियन चाहिए अपने खाने के अंदर। जब भी आप प्याज काट रहे हो ना, हमेशा आधा प्याज बचा के जरूर रखो एक्स्ट्रा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने बचाया हुआ था, मुझे जरूरत पड़ गई। आप सोच रहे होंगे आज मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड आ रही है स्पेशल बिरयानी खाने मेरे घर में, और उसकी इफ्तारी की हुई है मैंने। बस अभी मैं बिरयानी बनाऊंगी और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि वरना बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, मेरी बेटी उठ जाती है, मेरे ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है। मेरे हस्बैंड होते हैं अभी, तो वो उसको संभाल लेते हैं, और मैं आपको दूसरी भी रेसिपीज दिखाती मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि टू मच आप लोग भी नहीं देखना चाहते और टू मच मैं भी नहीं दिखाना चाहती। अच्छा, प्याज काट लिया था, मैं इसको फ्राइड अनियन को फिर से बनाने वाली हूँ। चावलों में मैं 20% का किनारा रखूंगी, तो मैं 80% इसको कुक करने वाली हूँ, और 20% मैं बाद में दम के टाइम कुक करती हूँ इसको। चिकन इज रेडी। जो हमारे टमाटर थे वो मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर। ये तकरीबन 6 से 7 थे। टमाटर से जो टेस्ट आता है ना यार, वो किसी चीज से नहीं आता, तो टमाटर ज्यादा डालिए प्लस प्याज। प्याज आपको ज्यादा डालना है और टमाटर ज्यादा डालने हैं, वरना बिरयानी में मजा नहीं आता, क्योंकि मसाला ही आपकी बिरयानी को 4 चांद लगाता है। साथ ही साथ मेरे जो चावल थे वो रेडी हो चुके हैं। ये इतना कमाल था ना कि मेरे चावलों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि, तो हमारा चिकन रेडी हो चुका है। मैंने लेयरिंग का सामान रेडी किया हुआ है। इस पैन में मैं लेयरिंग करूंगी सारी और बिरयानी का दम लगाऊंगी। मैंने एक बोल में दूध ले लिया है और सैफ्रॉन ले लिया है। सैफ्रॉन और दूध की मदद से हमारा जो बिरयानी का कलर है वो बहुत नेचुरल सा आएगा, हमें फेक कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको गर्म कर दूंगी 30 सेकेंड के लिए। हमारा नेचुरल बिरयानी का कलर रेडी हो चुका है। अब मैं सबसे पहले बिरयानी का सारा मसाला इसके अंदर डाल दूंगी। अब यहाँ पर नीचे मॉइस्चर आ चुका है मसाले का, तो नीचे चिपकेगा नहीं हमारे चावल। अब हम चावलों की लेयरिंग कर देंगे। थोड़े से फ्राइड अनियन डाल दूंगी, धनिया डाल दूंगी, लेमन रख दूंगी, बाकी का चिकन डाल देंगे, एक और बार चावलों को डाल देंगे, पुदीने को हमने हमेशा मिडल में डाल देना है, क्योंकि पुदीना ऊपर जब डालो तो वो काला हो जाता है। अब बाकी का जो चिकन है वो मैं सारा इसके अंदर उठा दूंगी, इसी के साथ साथ सारे बाकी के चावल भी डाल दूंगी, लेमन पीसेस जो भी बचे थे। लास्टली हमारा जो सैफ्रॉन का कलर है वो ऐड कर देंगे। मेरे पास एक कंदूरी है, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी दम के लिए। अभी कंदूरी को हम इसके साथ बांध देंगे। जो हमारा दम था वो लग चुका है सिमर के ऊपर, मैंने रखा हुआ इसको 20 मिनट्स के लिए, इसको लगे रहने देना। तब तक मैं सारा सफाया कर लूँ। A few moments later, मेरा किचन रेडी हो चुका है, दम हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। पता चले अंदर सड़े हुए निकले। नहीं नहीं, यम्मी यार, बहुत अच्छे बन गए। बिरयानी की खुशी और होती है यार, अगर आपको बिरयानी नहीं बनाने आती तो कुछ भी नहीं आता। पहले पहले मुझे नहीं आती थी। वाह, बहुत मज़े किया। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना आज मेरे घर में, बता नहीं सकती। आज मेरे हस्बैंड होते ना अभी, उन्होंने तो खुशी से झूमने लग जाना था। सैफ्रॉन का कलर देख रहे हैं आप, येलो येलो, हमें यही चाहिए था बस। नेचुरली कलर आया है, बहुत ही मज़े का। इस कलर की ना अपनी बात होती है, और इसका जो सैफ्रॉन का टेस्ट आता है ना अंदर, वो एक तरह से रेस्टोरेंट टच दे देता है इस बिरयानी को।
देखो यार, मुझे ना अपनी तारीफें खुद करनी पड़ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि जब मैं ये बिरयानी बनाती हूँ ना यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो गाइस, ये थी मेरी मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी। ओके गाइस, तो यहीं तक मेरा सफ़र ख़त्म होता है आज की वीडियो का। मेरी बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर लाइक करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मैं आपको फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी और मज़े मज़े की रेसिपी के साथ मिलूंगी। आप लोग कह रहे होंगे ये सिर्फ कुकिंग के व्लॉग्स लगाती रहती है, क्योंकि आजकल मेरे पास सिर्फ कुकिंग ही चल रही है, घर में बाकी काम भी चलते हैं लेकिन वो दिखाने के लायक नहीं है। उधर मैं ऐसे प्रो बन के काम करती हूँ कि मुझे बस क्विकली वो काम ख़त्म करने होते हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होंगे, ईद आएगी, तब से दूसरी एक्टिविटीज़ भी मैं आपको दिखाया करूँगी, सब कुछ अपडेट करूँगी। अभी के लिए आप मेरी रेसिपीज देखिए और मुझे लव दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा लव मैं आप लोगों को देती हूँ बना कर, क्योंकि ये रेसिपीज़ वाकई बहुत अच्छी होती हैं मेरी। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, और आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे तरीके से बनाना है इसको, फिर ही आपको पता चलेगा कि इस रेसिपी का कमाल क्या होता है। आखिरकार वो मेरे हाथों से बनी है तो कमाल तो होएगा ना। अच्छा, जिसको भी बहुत हेल्प हुई है ये सब देखकर मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है और फूट फूट के मोटिवेशन आती है कि मैं और भी चीज़ें शेयर करूँ लोगों के साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको बहुत मज़ा आता है मेरी वीडियोस देख देख के। इसीलिए मैं यहाँ तक आई हूँ कि आपको एक और वीडियो दिखा रही हूँ। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मुझे और मोटिवेशनल मैसेजेस आते रहें और मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी, आप लोगों के साथ साथ रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपको बहुत सारी दुआएं और खुशियाँ मेरी तरफ से। तब तक के लिए पीस आउट।